पाकिस्तान से दस्तियाब हुआ एक ही नुस्खा नायाब नुस्खा था जिसे बशारत सिद्दीकी साहब ने हासिल किया और शेखुलिस्लाम ट्रस्ट के तआवुन से ये शाया किया गया है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुहद्दिस आलमीन के जो इतनी अहम फतावे हैं एक रिसाले के शक्ल में शाया किया गया है। इस पर हुजूर अशरफी आला हजरत पहली बार जो कि हुजूर मक्तूम पाक के दादा मुर्शिद हैं हुजूर मक्तूम पाक के मुर्शिद शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद पाक हजरत शेख अखी सिराज आईने गिद रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़माने हयात पर पहली बार उर्दू ज़बान के साथ साथ में पहली किताब उसका रस्म इजरा होने जा रहा और इसकी इशाअत की जिम्मेदारी और इसकी इशाअत की पूरी जिम्मेदारी उठाई है शेखुलिस्लाम ट्रस्ट ने। तो शेखुलिस्लाम ट्रस्ट की जानिब से तहकीकी काम और इसकी जो इशाअत हो रही है आज इंशाअल्लाह उसका रस्मी इजरा होगा और इस दोनों किताबों में एक और खुशखबरी आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जानशीन उर्दू शेखुलिस्लाम ने पहली बार अपने तासुर भी इसमें तहरीर फरमाया है। दोनों किताबों ने हुजूर सैयद हमजा अशरफ साहब के दर का तासुर भी है कि ये पहली तहरीर जो कि वो भी मंजर आपके आ रही है जानशीन शेखुलिस्लाम के तासुर तहरीरी शक्ल में। और दूसरी खुशखबरी ये कि इसमें जो हजरत हाफिज कादरी रहमतुल्लाह की हमारे हयात पर किताब है उस पर हुजूर शेखुलिस्लाम के कलमात तबरीक भी हैं। तो ये एक तहरीरी किताब दोनों जो है इंशाअल्लाह उसमें इजरा होंगे। और दूसरी चीज ये किसी दाद की ख्वाहिश न किसी आग का वक्त मैं उस गोशे